friends, most of us like to eat bhindis, and also it's prepared in so many ways. And the problem comes when our bhindis turn out to be sticky. So today we'll share with you all one recipe of perfect and non-sticky bhindi aloo masala with no onion and no garlic. And I'm sure if you follow my tips and tricks, your bhindi will turn out to be awesome. So do try these out. This is Nidhi and welcome back to my channel. So my today's recipe is no onion, no garlic bhindi aloo masala with the tips and tricks to make the bhindis perfectly non-sticky. So friends, I would like to request you all to please like my video and also subscribe my channel. For detailed written recipe and ingredients with their measurements, please visit the description box below. So why to wait? Let's move on to my kitchen. So friends, the first step will be washing and cutting of bhindis. तो सबसे पहले आप अपनी भिंडी को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद एक कॉटन या मसलिन क्लोथ से उसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद एक ओपन स्पेस में उसे रख दें जिससे कि उसका मॉइस्चर पूरा सूख जाए। पूरी तरीके से सूखने के बाद ही आपको उसे कट करना है, और कट करने के लिए आप उसके दोनों एंड्स को रिमूव कर दें और फिर थिन स्लाइसेस में उसे कट कर लें। तो फ्रेंड्स, एक परफेक्ट नॉन स्टिकी भिंडी बनाने का यही सीक्रेट है कि आप उसे कुक करने से पहले कम्प्लीटली ड्राई करें। अगर वो गीली रहेगी तो कुक होने के बाद वो स्टिकी ज़रूर बनेगी। सो प्लीज़ ड्राई योर भिंडीज कम्प्लीटली बिफोर कटिंग इट एंड बिफोर कुकिंग इट। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हम भिंडी के साथ आलू भी मिक्स कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए बॉइल्ड पोटैटोज नहीं लेने हैं, हमें इसके लिए रॉ पोटैटोज चाहिए जिनको आप पील कर लें और उसके बाद उसे थिन स्लाइसेस में कट करें। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको इसे थिक स्लाइसेस में कट नहीं करना है, और कट करने के बाद आप उसे पानी में सोक करके रखें जिससे कि वो काले ना पड़े, और जब हम इसे तड़के में डालेंगे उस वक्त ही डायरेक्टली हम इसे पानी से निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ तड़का। सो फ्रेंड्स, तड़के के लिए आप एक पैन में इनफ ऑयल हीट करें, और हीट होने के बाद उसमें आप मस्टर्ड सीड्स को डालें। जब मस्टर्ड सीड्स क्रैकल होने लगे तब आप जीरा डालें, उसके बाद आप थोड़ी सी मेथी सीड्स भी डाल सकते हैं, उससे अच्छा फ्लेवर आता है, और बाद में आप हींग डालें। और जब ये सारे सीड्स क्रैकल कर जाएँ उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस चालू करनी है। सो फ्रेंड्स, हमारे सीड्स क्रैकल हो चुके हैं, तो नाउ वी विल ऐड आवर करी लीव्स, जिंजर, ग्रीन चिलीज एंड वी विल सॉटे देम फॉर फ्यू सेकेंड्स। वी डोंट हैव टू सॉटे जिंजर फॉर मोर टाइम बिकॉज इट विल टर्न बिटर। नाउ यू कैन ऐड फ्यू होल चिलीज ऑल्सो एंड अगेन सॉटे एवरीथिंग फॉर वन मोर मिनट। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल ऐड आवर सोक्ड पोटैटो पीसेस टू दिस एंड वी विल मिक्स इट वेल। We will also add a bit salt as per the quantity of our potatoes. Salt will help in easy cooking of the potatoes. So just cover and cook for few minutes on low medium flame and keep stirring occasionally. सो फ्रेंड्स, आपको अपने पोटैटोज को चेक करते रहना है। जब आपको लगे कि पोटैटोज सॉफ्ट हो गए हैं और ईजली ब्रेक हो गए, इट मीन्स योर पोटैटोज आर डन। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपके पोटैटोज कुक हो जाते हैं तब हमें डालने हैं इसमें ड्राई स्पाइसेस, जिसमें पड़ेगी टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करिए। इस वक्त आप अपना फ्लेम लो कर दीजिए जिससे कि मसाले जले ना। इसके बाद इसमें हम डालेंगे फेनल सीड पाउडर और साथ में कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर नाइस कलर। इनको भी अच्छे से मिक्स करिए, और अगेन आप इसे कवर एंड कुक करिए फॉर वन मिनट सो दैट योर मसालाज आर आल्सो कुक्ड वेल। सो
फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हमारे मसाले और पोटैटोस सारे अच्छे से कुक हो गए हैं, तो हमें इससे ज़्यादा इसे इस और कुक नहीं करना है। इसमें हमें डालनी है अब हमारी कट की हुई भिंडी, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। सो फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर एंड कुक करना है फॉर 2-3 मिनट्स इनिशियली। तो शुरुआत में आप इसे कवर करके पकाएं, जिससे कि हमारी भिंडी सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद हम इसे ओपन फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 2-3 मिनट्स के लिए, और बीच बीच में हम इसे स्टर भी करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इसे अनकवर करके पकाने के पीछे ये कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारी भिंडी नॉन स्टिकी बने। तो जब हम इसे ओपन फ्लेम पे पकाते हैं तब इसमें स्टिकीनेस नहीं आती है। इसकी बजाय अगर हम इसे कवर करके पकाएंगे तो इसमें ज़रूर स्टिकीनेस आएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी भिंडी परफेक्टली नॉन स्टिकी बने, तो आप इसे अनकवर करके ही पकाएँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी अच्छे से पक चुकी है। तो नाउ इट्स द टाइम टू ऐड लेमन जूस। सो प्रेफरेबली आप लेमन जूस ही मिलाएं, क्योंकि इससे आपकी भिंडी का ये जो ग्रीन कलर है ये रिटेन होगा। पर अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके बाद आप इसमें मिलाएं थोड़ा सा गर्म मसाला और चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, और उसके बाद आप चाहें तो एक बार इसे कवर कर दें फॉर 1 मिनट, जिससे कि इन सारी चीज़ों की फ्रेग्रेंस हमारी भिंडी में अच्छी तरीके से आ जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें सॉल्ट थोड़ा सा और मिला दें, क्योंकि इनिशियली हमने पोटैटोस के हिसाब से सॉल्ट मिलाया था, तो आपको बीच में भिंडी के हिसाब से भी सॉल्ट मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, आप टेस्ट कर लें। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर मिलाएं, पर भिंडियों में ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप टेस्ट करके ही मिलाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यमी भिंडी तैयार है, और देखिए ये कितनी खिली खिली और एकदम नॉन स्टिकी बनी है। तो फ्रेंड्स, इसे जल्दी से सर्व कर लें एक सर्विंग बोल में, और उसके बाद ये रेडी है खाने के लिए। आप इसे रोटियों के साथ, पराठों के साथ, पूरीज के साथ, या सिंपल दाल एंड राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव लाइक्ड माय रेसिपी एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट। डू शेयर योर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस इन माय कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।